बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम और करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए बहुत बहुत खुशामदीद। और दोस्तों, आज की जो हम बातें करेंगे बहुत ही हैरत अंगेज, आपको दिल को तसल्ली देने वाली बात करेंगे। और दोस्तों, जो भी वीडियो पे आता है भाई, ये मत समझना कि ये मनगढ़ंत कहानी हम सुनाते हैं, ये दीन इस्लाम की बातें आपके साथ शेयर करते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो, उससे हमें बहुत ही खुशी मिलती है दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम अपने वाक्य की तरफ, अपने बयान की तरफ चलते हैं। तो आपने कभी सुना है दोस्तों ऐसी कब्र के बारे में, वो कौन सी कब्र है जिसका मदफोन भी जिंदा था और कब्र भी जिंदा थी, और कब्र अपने मदफोन को शेयर कराती थी, यानी कि घुमाती फिरती थी। मदफोन कब्र से बाहर आया और जिंदा रहकर फोत हुआ, यानी कि ऐसी कब्र और ऐसा मुर्दा जो कि मुर्दा भी जिंदा था, और दोस्तों जो उसकी कब्र थी वो भी, मेरे प्यारे हजरात, वो भी चलती फिरती रहती थी। तो है ना बड़ी हैरत अंगेज की बातें दोस्तों। और अगर आपको अच्छी लगे तो मेरी बातें, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर करना मेरे दोस्तों, और दीन इस्लाम की बातें जरूर सुने करो। आपको पता है, दुनिया में अगर कुछ भी अच्छी बात या कोई भी साइंस की बात है, लेकिन हमारी कुरान पाक से निकली हुई है, कोई माने चाहे ना माने, क्योंकि कुरान पाक सभी किताबों की सरदार बताई गई है, और ये उसमें कोई शक नहीं, एक एक बात उसमें दोस्तों हम झुटला नहीं सकते। तो मेरे प्यारे हजरात, हमारी कुरान में ऐसी ऐसी बातें बताई गई है। देखो, ये क्या आपको पता था कि जो मुर्दा भी जिंदा है और कब्र भी जिंदी है दोस्तों, और फिर वो बाहर उस कब्र से निकल के, और वो फिर अपना फोत हुआ है, वो जिंदा, वो यानी कि फिर वो गुजर गया है दुनिया में। तो दोस्तों, है ना बड़ी दिलचस्प की बात है दोस्तों। तो ऐसी कब्र क्या आपके बारे में, आपके जहन में आती है ऐसी कब्र के बारे में, कोई ख्याल आता है? हाँ, नहीं आता तो हम आपको बताएंगे मेरे दोस्तों, और ये बातें भी सच्ची होंगी, और तुम ढूंढ भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो कहीं से, सब कुछ हमारी बातें सच्ची होंगी मेरे प्यारे हजरात, लेकिन वीडियो में आखिरी तक बने रहा करो। तो दोस्तों, दीन इस्लाम किया जो एकदम शुरू से लेकर आखिर तक, इसमें कोई दो राह नहीं, हमारा दीन इस्लाम बुलंद है और बुलंद ही रहेगा मेरे प्यारे हजरात। और जो कोई मजहब अगर निकला है ना, जिसने फिरकी परस्ती की है, वो भी मुसलमान होकर ही निकला है मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहले अगर बुत परस्ती की है दुनिया में, तो वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल था दोस्तों, तो जिसने सबसे पहले आग की पूजा शुरू की थी दुनिया के अंदर दोस्तों। यह हमारा इस्लाम है दोस्तों। आज कोई कहते रहे हम किसी के मजहब को गलत नहीं बोलते, जैसे भी है कैसे भी है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो हकीकत क्या है। और सबसे पहले ही कत्ल दोस्तों हमारे मुसलमान में, हाबिल ने हाबिल को काबिल ने मार दिया था दोस्तों, कत्ल कर दिया था। तो दोस्तों, दीन इस्लाम की बातें में आपको बहुत बहुत सी ये सीखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, जब अपनी तुम कुरान को एक बार तर्जुमे के साथ पढ़ लोगे, तो इंशाअल्लाह ताला काफ़ी हद तक आप हम अपने ही इस्लाम के बारे में समझ जाओगे। तो दोस्तों, हमारे दीन इस्लाम को कोई ऐसे मजाक में नहीं ले सकता मेरे दोस्तों, और हर मजहब में कोई ऐसे लोग होते हैं। तो चलो, हम वाक्य के अब उसके तुम सोच रहे होगे कि वो तो तुमने बताया नहीं, तो हाँ देखो, अब आपको हम बताते हैं वो कब्र कौन सी थी दोस्तों। तो दोस्तों, गौर फरमाइए, वो कब्र जिसका मदफोन और कब्र दोनों जिंदा थे, और कब्र अपने मदफोन को सफर कराती थी, रहती थी, वो हजरत यूनुस की मछली थी दोस्तों। सुभान अल्लाह, क्या इससे आप एकदम दिल आपको मानेगा ये बात। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 साल तक दोस्तों उस मछली के पेट में रहे थे, और मदफोन भी जिंदा, और मछली आपको शेर कराती रहती थी, फिर आप मछली के पेट से बाहर आकर जिंदा रहे, फिर वफात पाई मेरे दोस्तों।
तो दोस्तों ये ऐसी ऐसी बातें हमारे दीन इस्लाम में ऐसी ऐसी छुपी पड़ी है हमारे हदीस कुरान में कि बस वो मानना का कोई भी अगर इनकार नहीं कर सकता मेरे प्यारे दोस्त। तो आपको पता है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 साल तक मछली के पेट में दोस्तों रहते मेरे प्यारे हजरात, और 40 साल के बाद फिर मछली के पेट से बाहर निकल के फिर दोस्तों वो वफात पाए थे मेरे प्यारे हजरात। तो ये बातें आपको पता थी या नहीं पता थी? अगर पता थी तो फिर भी बताना, और नहीं पता थी फिर भी हमको बताना। तो लेकिन मैं आपसे यही बात करूंगा दोस्तों, वो भी हमारा ईमान इस्लाम इस तरह सा है दोस्तों, इस तरह से पक्का है तो कभी भी इसको कोई इसके साथ चैलेंज नहीं कर सकता, और ना ही कभी। आप देखो पूरी दुनिया में देख लो दोस्तों इस्लाम किस तरह से फैलता है, और आज भी फैलता है दोस्तों। और कोई इस्लाम का सच्चा भाई होगा तो वो अपने मजहब से पीछे नहीं हटता, इस्लाम के लिए दोस्तों वो आगे आगे चलता है। हमारे इस्लाम के अगर आप पीछे की बात सुनोगे, जब भूल गए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने सारी दौलत इस्लाम की राह पे अल्लाह के राह पे एकदम खर्च कर डाली थी मेरे दोस्तों, और खुद फटे हुए टाट के कपड़े यानी के पैवंद के कपड़े लगा के प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जब हाजिर हुए, क्योंकि हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बोला था अपने सहाबा इकराम को के बैतुल माल के लिए पैसा चाहिए, तो सभी जो सहाबा इकराम थे जिसके पास जितना था वो सब लेके आए, लेकिन उसमें एक ही सहाबा इकराम थे जो कि उन्होंने कुछ भी ना रखा। रास्ते में उनके पास एक जोड़ा था, जब जोड़ा देखा उन्होंने तो उन्होंने जोड़े को भी बेच डाला, और जोड़ा बेच के एक फटे पुराने टाट के कपड़े पहने दोस्तों। और जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम प्यारे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि आप ये पैवंद यो क्यों पुराने ऐसे फटे पुराने कपड़े? तो उन्होंने बोला अल्लाह के तुम्हारे जो दोस्त हैं उन्होंने आज पैवंद लगा के पहना तो मैंने भी यही कपड़े पहने हैं दोस्तों, सुभान अल्लाह। तो दोस्तों ये होता है दीन इस्लाम, हमारा इस्लाम यही है। तो इसलिए तो दोस्तों हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम किस तरह 40 साल तक दोस्तों मछली के पेट में रहे थे, और 40 साल के बाद दोस्तों मछली के पेट से बाहर निकल के दुनिया में रहे, वो दुनिया बसर की और फिर वफात हो गए। ये हमारा इस्लाम है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर मेरी बातों से आप मुतमईन हो या अच्छी लगे प्लीज़ ज़रूर शेयर करना, और दोस्तों अपने इस्लाम की तरफदारी करना और कुरान पाक को मुकम्मल करना। आमीन सुम्मा आमीन।